श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के संदर्भ में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रस्तुत है ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। जी हां, आज श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन शहर के निजी होटल में किया गया। अभियान के अध्यक्ष राजेंद्र बांदिल ने व विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री पप्पू वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। इस प्रकार की ये योजना हमारी 7 दिन की ओर है। इस योजना के बाद, इस योजना के पूरा होने के बाद हम ये एक अच्छा अनुभव लेकर के इस कार्य को पूरा करेंगे, तो प्रत्येक नागरिक तक हमारी ये आवाज पहुंच सके, आप सबका सहयोग उसके लिए हम चाहते हैं। प्रत्येक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक यह बात पहुंच सके, तो हम आपके आभारी रहेंगे। मुकेश जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना प्रारंभ हो चुका है। यह मंदिर और उससे लगे हुए परिसर के संपूर्ण विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना बनी है, जिसे संग्रहित करने की दृष्टि से ग्वालियर जिले में जो समिति बनी है, उस समिति का प्रयास 15 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रत्येक बस्ती, मोहल्ला, घर और घर के प्रत्येक व्यक्ति तक हम भगवान राम के आदर्श, भगवान राम की शिक्षाएं, भगवान राम का जीवन, उनके राम राज्य की बात लेकर के जा रहे हैं। और प्रसन्नता की बात है कि सभी ओर से उत्साहप्रद समर्थन प्राप्त हो रहा है और लोग श्रद्धावश अपनी स्वेच्छा से धनराशि समर्पित कर रहे हैं मंदिर के लिए। समिति का और तीर्थ क्षेत्र न्यास का यह एक मुख्य ध्येय है कि वह चाहती है कि प्रत्येक राम के जीवन को समझे, राम के जैसा बनने का प्रयास करे, इसलिए हर घर में राम की चर्चा होनी चाहिए, चित्र होना चाहिए और उसी निमित्त प्रत्येक घर में हमारा समर्पण कराने का प्रयास चल रहा है। हर व्यक्ति राम के और राम के इस मंदिर के साथ जुड़ रहा है। 3 हफ्तों में इस दिशा में हमें पर्याप्त और प्रसन्नतादायक सफलता मिली है। 1 सप्ताह और शेष है। हम ग्वालियर की जनता से, आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि वे सब इस कार्य के साथ जुड़ें और अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना समर्पण व्यक्त करें। मंदिर निर्माण के लिए अभी तक कितना इकट्ठा हो चुका है? यह सुनिश्चित आंकड़ा देना कठिन है, क्योंकि अभी यह काम चल रहा है और धनराशि एकत्र हो रही है। जैसे जैसे चेक्स आते जा रहे हैं, वो जमा होते जा रहे हैं और जैसे ही ये कार्य पूरा होगा, हम उसका विस्तृत हिसाब या आंकड़ा दे सकते हैं। जिस तरीके से लोग इकट्ठी कर रहे हैं राशि, कार्यकर्ता, तो उनको क्या कोई रसीद कट्टे दिए गए थे? राशि एकत्र करने के लिए यह विचार हुआ था कि हर वह व्यक्ति जो श्रद्धा रखता है, वो कितना ही वंचित हो, कितना ही गरीब हो, कितना ही उसके पास संसाधन कम हो, तब भी वह सहायता कर सके, इसलिए 10 रुपये का भी कूपन हमने रखा था। 10 रुपये से अधिक 100 रुपये का एक कूपन था और एक 1000 का। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बहुत अधिक धन देना चाहते थे, तो उसके लिए रसीद कट्टा था जो 2000 से ऊपर प्रयोग किया जाना था। इस प्रकार से 10, 100, 1000 के कूपन और रसीद पट्टी के द्वारा राशि एकत्र की जा रही है।